हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपका भी जो ब्लूटूथ है वो पेयर नहीं हो रहा है स्पीकर हेडफोन किसी भी डिवाइस के साथ। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वाला फ़ोन है और इसको मैं पेयर करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होता है, ठीक है, अपने हेडफोन से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं एक क्लिक में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो इन्फिनिक्स के फ़ोन के आपको सेटिंग में जाना होगा। तो सेटिंग मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। सेटिंग मेरा यहाँ पे है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है। तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना होगा जिसको बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ सिस्टम बैकअप पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको रीसेट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका ब्लूटूथ के अलावा अगर वाईफाई में भी प्रॉब्लम है तो वो भी फिक्स हो जाएगा यहाँ से, जो मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, रीसेट योर नेटवर्क एंड इंक्लूडेड ब्लूटूथ एंड अदर डेटा वाईफाई रिलेटेड। इसको फिक्स करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से ऐसा ऑप्शंस बता रहा है, कह रहा है कि आप सच में करना चाहते हैं रीसेट। हाँ, हम करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा और ये क्विकली रीसेट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैकअप कर दे, फिर से बैक कर दे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है वो इससे फिक्स हो जाएगा। अगर इससे फिर भी फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है जिसको बोलते हैं इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। इसको रीसेट करने से पहले आपको एक बात ध्यान से समझना होगा, अगर इसको रीसेट करना चाहते हैं तो आपको डेटा ऑडियो वीडियो सब कुछ उड़ जाएगा। तो इसको रीसेट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के करें। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है दो बार और आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल बवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोग का रिप्लाई करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है काफ़ी मॉडल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी फ़ोन से रिलेटेड अपडेट के लिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।